हनुमानगढ़ के वरिष्ठ वकील अरविंद मुखर्जी और उसके परिवार पर हुआ कातिलाना हमले का मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आज फिर बारसंग ने विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखा और विरोध प्रदर्शन के दौरान बाजार के चंद व्यापारियों और सभी लोगों ने भी जमकर समर्थन किया और पूरा बाजार 12 बजे तक बंद रहा। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है बारसंग के पूर्व अध्यक्ष जो 7 बार अध्यक्ष रह चुके हैं जितेंद्र जी सारस्वत और अभी जो फिलहाल अध्यक्ष है प्रद्युमन जी परमार हमारे साथ है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं भी असल में मामला क्या है और मामले को लेकर आगे की रणनीति क्या है। प्रद्युमन जी असल में मामला क्या हुआ था, मतलब इतना ऐसा क्या हुआ था, इतना बड़ा दिया गया हमारे वरिष्ठ साथी अरविंद मुखर्जी के साथ, उनके पड़ोसी हैं, उनकी पुत्री से पुत्री को वो परेशान करते थे। उनकी पुत्री ने घर जाके बताया कि कुछ लड़के मुझे परेशान करते हैं तो पड़ोस में रहते हैं। हमारे वकील साहब ने उन्हें समझाया घर जाकर कि आप ऐसा नहीं करें। उन्होंने इस बात की रंजिश रखते हुए वकील साहब के घर जाके रात को 2 फायर किए। फायर करने के बाद उन पर हमला किया जिसमें उनके 80 साल के पिताजी, उनके भी सिर में चोटें आई और उनकी भी पोजिशन अभी क्रिटिकल है। और अरविंद मुखर्जी हमारे वकील साथी और उनके भाई जो अभी जो आपके प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर पुलिस का रवैया क्या है या प्रशासन का रवैया क्या है, वो असल में आप जो अपनी मांगे जो रख रहे हैं क्या वो समझ पा रहे हैं उन मांगों को या फिर उसका उलट चल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुलिस समझ नहीं पा रही है, लेकिन पुलिस इस कार्रवाई में पता नहीं क्यों किस दबाव के कारण कार्रवाई करने से भयभीत है। और हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक सभी मुलजिम अरेस्ट नहीं हो जाते, क्योंकि ये एक सामाजिक लड़ाई है, ये एक वकील की लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक लड़ाई है। इसीलिए इसमें हमें आज बाजार बंद में व्यापारी संगठनों ने, अन्य संगठनों ने बहुत सहयोग दिया। कम से कम 35 से 40 संगठन थे जिन्होंने हमें सहयोग किया। मैं उन सभी का आपके माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ। जितेंद्र जी एक मामला आया था अभी जो आपकी झड़प भी हुई थी रणवीर मीणा के साथ भी, मतलब मीडिया में ये बार बार खबरें आ रही है, तो रणवीर मीणा का किस एंगल से आप मानते हो भी वो सहयोग कर रहा है या आपकी जाँच में, मतलब जाँच में व्यवधान पैदा कर रहा है? ये रणवीर मीणा जी जिस समय इंजर्ड थे, ये हमारे मुखर्जी के फादर ब्रदर वगैरह वहाँ हॉस्पिटल में थे, उसमें हमने इनको बोला था कि ये क्या है बच्चियों के छेड़छाड़ का मामला, हनुमानगढ़ में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, औरतों को लगातार छेड़ा जा रहा है, लोगों को उठा के रेप तक की घटनाएं होती हैं, उनके थाने में दर्ज नहीं होते, आप ये क्या है, तो आप इनको रात को मुंजीमान को पकड़ लो, इन्होंने गलत काम किया है। तो रणवीर मीणा जी की नीयत उस दिन भी साफ नहीं थी, वो कह रहे हैं ना मुखर्जी अग्रेसिव है, इन्होंने उनके घर पे जाके उलामा दिया, क्यों दिया, अब कोई किसी की बच्ची को कोई छेड़ेगा तो सबसे वो कानून हाथ में लेगा या उसको समझाने जाएगा, तो समझाने जाएगा। ये अभी आपकी प्रमुख मांगे क्या है, हमारी आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है जिसमें अगर पुलिस वो करे तो आप संतुष्ट हो? हमारी मांग ये है कि मुखर्जी ने जो FIR दर्ज कराई है 120 नंबर FIR, उसके जितने मुलजिम हैं जिन्होंने मारपीट की है इनके घर में घुस के, वो सारे मुलजिम अरेस्ट होने चाहिए। रणवीर मीणा जिन्होंने उस सोनी परिवार का पक्ष लिया है नजायज रूप से, नजायज FIR मुखर्जी पर दर्ज करके, उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए। और तीसरा जो FIR हमारे खिलाफ झूठी दर्ज की है, एक सिंगल टांका उसमें 307 जो आज तक कभी नहीं हुई और खुद की हो सकता खुद की मारी हो, जो भी है हमारा कहना उस FIR में FIR लगे, रणवीर मीणा को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, सस्पेंड किया जाए और ये जो हमारे मुलजिम है उनको पकड़ा जाए। तो अभी मतलब इन मांगों को अगर मान लिया जाता है पुलिस द्वारा तो आप कहीं ना कहीं संतुष्ट है, मतलब आप अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो वापस ले सकते हैं? विरोध प्रदर्शन तो वापस हम ले लेंगे, पर हमारी पीड़ा ये नहीं है, पीड़ा ये तो है ही, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लगातार बच्चियों के साथ छेड़खानी, औरतों के साथ बदतमीजी, ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। बाहर ने भी मेमोरेंडम दिया था, विभिन्न संगठनों ने मेमोरेंडम दिया था, पर पुलिस प्रशासन अगर आपका मांग नहीं माना, आ जाओ देख जी आ जाओ कहीं ना कहीं, मतलब लेट अगर मान लो इस मांग को लंबा केस दिया जाता है या मानी नहीं जाती है तो आगे की आपकी कौन रणनीति अभी तय है या तय करना बाकी है? हमारी रणनीति ये है कि हमारी रणनीति में अभी हमने बीकानेर संभाग, जयपुर, जोधपुर उन लोगों का समर्थन लिया है, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये पूरे राजस्थान लेवल पे हमारे वकील समुदाय जो है, हमारी बार संघ जो है, वह हम उनसे समर्थन मांगेंगे और जयपुर जोधपुर तक की बार हमारे साथ हैं। आज बीकानेर भी वर्क स्पेन रहा है, उसकी कॉपी भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चूरू डिवीजन पूरा, हम चूरू डिवीजन बंद है, सरदार शहर भी बंद है, सभी अध्यक्ष आज बार संघ के, हमारे डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ के अध्यक्ष सारे आए हुए हैं, रावसर के अध्यक्ष हैं, गुरलाल सिंह जी हैं, संगरिया के अध्यक्ष आए हुए हैं, मोहर से भी आए हुए हैं, भादरा से भी आए हुए हैं, तो हमें अपार समर्थन मिल रहा है। हम एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वकीलों की लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें जो योगदान मिल रहा है, हम इस लड़ाई के माध्यम से शहर में ऐसे लोग
जो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे, उनका अस्तित्व खत्म कर देंगे, ताकि घर से निकाल कोई भी ये सोचे कि भी मैं ऐसी हरकत नहीं करूं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आपने देखा मामला जो है काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पुलिस प्रशासन और यहाँ की स्थानीय प्रशासन ने अगर इस मामले को जल्द से निपटाने का प्रयास नहीं किया तो ये मामला यहाँ से संभाग और संभाग से फिर राज्य स्तर तक पहुँच सकता है और ये पुलिस और प्रशासन के लिए बहुत गलत बात हो सकती है। मैं कुलदीप शर्मा, कैमरामैन गुलशन सोनी के साथ हनुमानगढ़ A1 TV। धन्यवाद।